एमपी भाजपा में बागी छुड़ा रहे बीजेपी के पसीने, उपचुनाव की नैया कैसे लगेगी पार, बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। बता दें मध्य प्रदेश में बागियों से बीजेपी जूझ रही है। यहां लोकसभा के खंडवा और विधानसभा के पृथ्वीपुर, रैनगांव और जोबर सीट पर चुनाव है, मगर बागी इन सीटों पर दो दो हाथ करने के लिए तैयार बैठे हैं। दरअसल खंडवा लोकसभा सीट से नंदकुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह को टिकट मिलने की उम्मीद थी, परिवारवाद का हवाला देकर पार्टी ने रेस से बाहर कर दिया। दरअसल पार्टी ओबीसी कार्ड खेलना चाहती थी और ज्ञानेश्वर पाटिल पर दाव लगाया गया है। हर्ष के समर्थक चुनाव से दूरी बना लिए हैं। सतना के रैनगांव सीट पर पूर्व विधायक जगल किशोर बागरी के निधन के बाद सियासी विरासत संभाल रहे बेटे पुष्पराज बागरी और छोटे बेटे देवराज की पत्नी वंदना पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए। यहां से पार्टी ने जिला महामंत्री प्रतिमा रावत को मैदान में उतारा। वहीं जोबट और पृथ्वीपुर में बाहरियों को टिकट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा बागियों को मनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, मगर मामला बनता नहीं दिख रहा है। सूत्रों की माने तो खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी को उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। आखिरी समय तक भी बीजेपी ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि किसको इस सीट से प्रत्याशी के रूप में उतारना है। पैनल में इस सीट के लिए ज्ञानेश्वर पाटिल, राजपाल सिंह तोमर, हर्ष सिंह चौहान और अर्चना चिटनिस का नाम दिया गया था। हालांकि प्रदेश संगठन इस सीट से ओबीसी के उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहता था, ऐसे में ज्ञानेश्वर पाटिल का नाम फाइनल किया गया है। वहीं कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा सीट से राज नारायण सिंह, रैनगांव से कल्पना वर्मा, जोबट से महेश पटेल और पृथ्वीपुर से पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर का कोरोना से निधन होने के बाद अब उनके बेटे नितेंद्र सिंह राठौर को टिकट दिया गया है। फिलहाल ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए सरोकार इंडिया से जुड़े रहे। सरोकार इंडिया न्यूज डेस्क की रिपोर्ट।